वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी के बारे में। तो से पहले हम बात करेंगे है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को पर किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ न कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवी जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी दीजिएगाडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी

मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मीर सरवर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एट्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहां पर आई एंड गूगल के यूजर्स की, की जो है वो कितनी है इस मूवी की आई है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई मूवी की बी रेटिंग तो है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रोटिज्म जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है जी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्रताप सिंह ने जी यहाँ सारी की सारी डायरेक्शन को इन्होंने हैंडल किया एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन वेलेंटाइन के अलावा कोई मूवी दी थी या ये इनकी

तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट जैसे like आप लोगों के कुछ है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से, से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो इस मूवी की, की कास्टिंग में हमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लट देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई एंड गूगल के रेटिंग की इस मूवी की आई है एंड इस मूवी को गूगल के आई एम डी बी रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जेनर की इस मूवी का, का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिजम जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम डोरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी है वो भी काफी ज़्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी दीजिएगाटिवीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो सबसे पहले हम बात करेंगे है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे जाएंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से एट्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रोटिज्म जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेज में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती है बट कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कि हमें बहुत अच्छा कॉन्टेंट भी प्रोवाइड करके जाती है बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसके नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी से रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस की कास्टिंग में हमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे ये मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे अनुजी के साथ-साथ और भी काफी सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स अच्छे आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना-अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहां पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से एट्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए

ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो है है वो भी काफी ज़्यादा यूनिक एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी

मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक पर आप लोगों को 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 वरुण तेज देखने देखने मिलेंगे मानुषी छिल्लर मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मीर सरवर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी

तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही Well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी finally ये कहां पर आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक नवदीप देखने को मिलेंगे मीर सरवर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जेनर की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ न कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ से से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की बी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस इस मूवी मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेटिव से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो सबसे पहले हम बात करेंगे है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहां पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है है वो भी काफी ज्यादा यूनिक एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लट देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को जाएंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स एसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रोटिज्म है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं टाइम डोरेन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो सबसे पहले हम बात करेंगे है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे जाएंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी

इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है जी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्रताप सिंह ने जी यहाँ सारी की सारी डायरेक्शन को इन्होंने हैंडल किया एंड है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन वेलेंटाइन के अलावा कोई मूवी दी थी या ये इनकी फर्स्ट

तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारी स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी

मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग मेंवदीप मीर सरवर देखने को मिल जाएंगे एंड साथ, साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से 80% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय तो वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेज में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी मूवीटा के बारे में है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है जी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्रताप सिंह ने जी यहाँ सारी की सारी डायरेक्शन को इन्होंने हैंडल किया एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन वेलेंटाइन के अलावा कोई मूवी दी थी या ये इनकी

तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवी जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कॉन्टेंट भी प्रोवाइड करके जाती है बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी

मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने 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 को 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 मिल मिल जाते हैं जस्ट लाइक पर आप लोगों वरुण तेज मिलेंगे मानुषी छिल्लर जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मीर मा, सरवर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हां 1 मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी लिए किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई इस language में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी से रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मा, मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहां पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस

तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है जी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्रताप सिंह ने जी यहाँ सारी की सारी डायरेक्शन को इन्होंने हैंडल किया एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन वैलेंटाइन के अलावा कोई मूवी दी थी या ये इनकी फिर

तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ न कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी लिए किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसे

को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर जेनर की इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है बाय द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हाँ मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी लिए किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो सबसे पहले हम बात करेंगे है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे जाएंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रोटिज्म जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है जी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्रताप सिंह ने जी यहाँ सारी की सारी डायरेक्शन को इन्होंने हैंडल किया एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन वेलेंटाइन के अलावा कोई मूवी दी थी या ये इनकी

तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेज में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ-साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहां पर बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हां फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी

को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से एट्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेशन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेसन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती है बट कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कि हमें बहुत अच्छा कॉन्टेंट भी प्रोवाइड करके जाती है बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो है है वो भी काफी ज़्यादा यूनिक एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही तो इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस की कास्टिंग में हमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जेनर की कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टाइम डोरेन पर कि इस मूवी की सारी की सारी टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए

के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहां पर किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे मूवीज जो है वो सेम स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हाँ फर्स्ट मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी के बारे में। तो से पहले हम बात करेंगे है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को वरुण तेज देखने को मिलेंगे मानुषी छिल्लर देखने को मिल जाएंगे नवदीप देखने को मिलेंगे मेरे सर्वर देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो की काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 80 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली पैट्रिटिज्म जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है द वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की किस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर हैंडल किया है जी बहुत अच्छे तरीके से शक्ति प्रताप सिंह ने जी यहाँ सारी तो की सारी डायरेक्शन को इन्होंने हैंडल किया एंड अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन वेलेंटाइन के अलावा कोई मूवी दी थी या इनकी फर्स्ट

तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही वेल well, तो जी आज तक मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होता है डिफरेंट तरह से हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाने की कोशिश की जाती है हाँ बहुत कुछ तो अलग नहीं होता बहुत सारी मूवीज में वही सेम सा कंसेप्ट होता है हीरो हीरोइन विलेन है एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करके जाती हैं बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस देकर जाती है और आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है अगर आप लोग भी मेरी तरह यूनिक कॉन्टेंट लवर है आप लोगों को भी यूनिक कॉन्टेंट देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उसका नेम भी बहुत ही यूनिक रखा गया है एंड उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफी कुछ इसमें जो है वो अच्छा देखने को मिलता है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ऑपरेशन वेलेंटाइन के बारे में जी हाँ 1 मार्च 2024 में इस मूवी को रिलीज किया गया था एंड इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो हाइप रखी गई थी एंड इसी हाइप के चलते आप लोग भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस मूवी को लेकर तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी लिए किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी

को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर जनर की कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ये बेसिकली जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है यानी बहुत सारी जगहों पर कामयाब भी हो जाती है वे उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन पर इस मूवी की सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए एंड ये चीजें देखने के बाद आ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के

करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो अभी हम आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो कि आप लोगों का सबसे मेल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज की बनाई गई है एंड अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिल इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली एक चांस तो देना ही